हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब भाई? सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत सारा प्यार। मैं स्वागत करती हूँ आपका वाईफाई स्टडी में, जो कि पार्ट है अन अकेडमी का। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शाम के 6 बज चुके हैं, हम आपके सामने आ चुके हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके हर रोज़ की तरह। और दूसरी बात ये है कि हम कितने पानी में हैं और अभी हमें कितनी मेहनत करनी है, और एग्जाम में जाके जब हम क्वेश्चन को करके आए तो हमारा दिल खुश हो जाए, ऐसी चीजों के लिए आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ आप चुके हो, अपने साथियों को भी एक बार मैसेज कर दो, अपने दोस्तों को भी एक बार मैसेज कर दो, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी एक बार मैसेज कर दो, ताकि उन्हें भी ये मैसेज मिल जाए कि प्रिया मैम आ चुकी है आपको साइंस पढ़ाने के लिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैम आपका टेलीग्राम चैनल कौन सा है, आपका टेलीग्राम लिंक कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक टेलीग्राम लिंक है, कौन सा, t.me/science special, क्योंकि मेरे क्या कहते हैं मेरे नाम के बहुत सारे फेक क्या कहते हैं ग्रुप्स बन चुके हैं, तो ये मेरा एक्चुअल टेलीग्राम का चैनल है। आप इस पे @science special भी लिख सकते हैं, @science special। ठीक है, अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप बहुत छोटा भी लिख सकते हो, @science special। जैसे ही आप लिखोगे तो आपको मेरा मेन चैनल आ जाएगा, जो मेरा खुद का चैनल है। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों ने बताया कि आपके नाम से बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, हम आपका नाम नहीं ढूंढ पा रहे, आपका चैनल नहीं ढूंढ पा रहे। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मेरी स्पेशल क्लासेस चलती है शाम के 5 बजे SSC पे, एंड शाम के 7 बजे चलती है रेलवे कैटेगरी में। और मेरा एक प्लस कोर्स भी चलता है जो रात को 8 बजे चलता है, जिन्होंने प्लस कोर्स लिया है वो उसको देख सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट लिया PRIYA08 पे जा सकते हैं, कहने का मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए कोड यूज कर सकते हैं PRIYA08। कोई भी कोर्स लेना हो, कभी भी लेना हो, बेहिचक PRIYA08 यूज कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कहते हैं मैम बहुत पका दिया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज मिनिमम एयर पॉल्यूशन, कौन सा ईंधन के कारण न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है, यानी ऐसा कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण करता है, हाइड्रोजन, केरोसिन ऑयल, डीजल या कोल। तो इनमें से कोयला, इनमें से सबसे कम प्रदूषण कौन करता है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए फटाफट, और मेरा कोड यूज कीजिए प्लस कोर्स के लिए जो 18 जुलाई को आ रहा है। जल्दी से बताइए फटाफट, फास्ट, जल्दी से बताइए आंसर। यस, ओके कृष्ण जी, यू लाइक माई टीचिंग। ठीक है, पुष्पा, इंद्रानी, रूबी, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सके हैं, शाहिद खान, एक शाहिद कपूर भी है, करण मनोत्रा, के चौधरी, यस, सिद्राना, भारती। तो डी आंसर आया सबका, डी, वो वाकई में डी, मतलब कोयला सबसे कम प्रदूषण पॉल्यूशन करता है। देखिए, इनमें से सबसे कम प्रदूषण जो करता है वो करता है हाइड्रोजन, सबसे जो कम प्रदूषण करता है वो कौन करता है, हाइड्रोजन। क्योंकि क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इट बिकम वाटर वेपर, जब हाइड्रोजन को गर्म किया जाता है। आज साइंस विषय की क्लास में यही तो पढ़ाया था, कहता मैडम कौन सी, अभी जो 5 बजे हुई थी, कि हाइड्रोजन को जब गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो ये जल के वाटर वेपर में बदल जाता है। देर आर नो कार्बन अदर कंपाउंड रिलीज इन टू द एटमोसफेयर, दे आर वेरियस कंपाउंड विच इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज वेन अदर फ्यूल्स आर ब्रंट। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं कि अगर आप कोई भी ईंधन गर्म करते हो तो या तो वो CO2 गैस छोड़ती है, या तो वो CO2 गैस छोड़ती है, या फिर वो CO गैस छोड़ती है, जिससे प्रदूषण होता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन जलता है किसी तापमान पे तो वो द्रव में बदल जाता है। तो क्वेश्चन ये भी होता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो जलने के बाद द्रव में बदल जाती है, जो द्रव में बदलने के बाद जल में बदल जाती है, डेट इज हाइड्रोजन। अवंतिका जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आज ही बताया था 5 बजे, बिल्कुल मैंने बताया था 5 बजे अनअकैडमी पे SSC कैटेगरी में। विशाखा जी, अंजलि जी, मेरा क्लास दोपहर के 12 बजे वाईफाई स्टडी पे और शाम के 6 बजे भी वाईफाई स्टडी पे होता है, बाकी मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल को शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी अगर हम लोगों को पानी पीना है तो हम ऐसी कौन सी गैस यूज करते हैं जिससे वो प्योर हो जाए। अभी गैस की बात चल रही है कि ऐसी कौन सी गैस यूज करते हैं जिससे पानी प्योर हो जाए, प्योरिफिकेशन, स्पेशली दिल्ली मुंबई वाले, सबसे खराब पानी हम लोगों का ही होता है यहाँ पे। चलिए बताइए,
थैंक यू सो मच सुमंता सिन्हा, थैंक यू सो मच मैम। आपकी क्लास कब कब होती है प्राची? देखो आज मैं इसका जवाब दे ही देती हूँ। एक तो देखिए मेरी दोपहर के 12 बजे होती है वाईफाई स्टडी पे, ठीक है, एक शाम के 6 बजे होती है वाईफाई स्टडी पे, 5 बजे और 7 बजे ये एसएससी कैटेगरी में होती है, और ये रेलवे कैटेगरी में होती है। मेरी स्पेशल क्लासेस चलती है कहाँ पे? अन एकेडमी पे। और आप मुझे फॉलो कीजिए साइंस बाय प्रिया मैम पे, आपको पता लग जाएगा। कोल का करता है शुभम जी, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करेगा। देखिए तो इसका आंसर है क्लोरीन। तो इसका आंसर है क्या? क्लोरीन है। देखिए इसका आंसर क्लोरीन है। आपको बताते हैं क्लोरीन जो गैस होती है वो एंटी बैक्टीरियल होती है। मैंने इस तरह इसको क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा दिया है। एंटी बैक्टीरियल होती है, ये पानी को साफ करने के लिए मिलाई जाती है, स्पेशली पानी को ब्लीच करने के लिए भी इसको मिलाया जाता है। आपको पता है जब लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो पानी गंदा हो जाता है, कोई कोई सूसू भी कर सकता है, कोई थूक भी सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है पानी में, लेकिन बहुत सारे लोग नहाते हैं फिर भी वो पानी गंदा नहीं होता, क्योंकि उस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। और स्पेशली जो हमारा सरकारी वाटर जो आता है टंकी से जो पानी आता है उसमें भी क्लोरीन मिलाया जाता है, जो हम मोटर से यूज़ करते हैं, समरसेबल यूज़ नहीं करते, ठीक है। अमन जी ऑपरेशन ऑप्शनल ज्योग्राफी का बेस्ट कोर्स जो मिलेगा वो आपको यूपीएससी कैटेगरी में मिलेगा, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो प्रिया08। अनअकैडमी पे यूपीएससी सीएससी कैटेगरी चूज करना आपको मिल जाएगा, ठीक है अमन। बाकी के लिए आप मुझे साइंस बाय प्रिया मैम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को जो होता है वो किल करता है। चलिए अब आगे, विच गैस इज यूज एज लाफिंग गैस, हंसी गैस के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनअकैडमी में। मेरा जो नाम है, पूरा नाम है मेरा प्रिया चौधरी, जल्दी से बताइए। वाटर पार्क में मतलब जहां भी कहीं पानी साफ करना हो, कुछ बच्चे देखिए ये क्वेश्चन मैं एक दो दिन पहले भी लाई थी, लेकिन जब मैं एक दो दिन पहले लाई थी तो एक ही ऑप्शन में नाइट्रोजन था, आज मैंने चारों ऑप्शन में नाइट्रोजन रखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो बताना मुश्किल है। यस, जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन्होंने बिल्कुल आंसर दिया है, इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो एनेस्थीसिया के टाइम भी दिया जाता है, स्पेशली ये पहले के लोग डेंटिस्ट जो होते थे, जितने भी हमारे डेंटिस्ट होते थे वो यूज करते थे लाफिंग गैस का, नाइट्रस ऑक्साइड का। चलिए जो आपका देखिए, ये देखिए ये इंसान को बेहोश भी कर देती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ सेफ एंड इफेक्टिव सेडेटिव एजेंट मिक्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है और उसको इनहेल किया जाता है मास्क के थ्रू पूरे नोज पे, जो हमें रिलैक्स करता है। नाइट्रो ऑक्साइड समटाइम कॉल्ड लाफिंग गैस, वन ऑप्शन योर डेंटिस्ट, देखिए आपका जो दांतों का डॉक्टर है वो आपको कंफर्ट दिलाने के लिए अपने पूरे प्रोसीजर के द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का, यानी सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। कहती बात समझ में आई? क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नीला थोथा? नीला थोथा क्या होता है? इस नीले थोथों को कई बार ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रॉयल, इसको याद रखना, इसको ब्लू विट्रॉयल भी कहा जाता है। ब्लू विट्रॉयल क्या होता है, नीला थोथा क्या होता है? अच्छा ये मैम जब ये कब से नीला थोथा, एक बार एक एग्जाम में क्या हुआ, हिंदी में जो नीला तोता लिखा हुआ है, हिंदी में जो नीला थोता था वो इंग्लिश में भी नीला थोता लिखा गया, उसके बाद हर एग्जाम में ये नीला थोता आने लग गया, लेकिन इंग्लिश में इसको ब्लू विट्रॉयल बोला जाता है। किसको नीला थोता बोला जाता है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, या शेयरिंग इज केयरिंग। यार तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, हद हो गई भाई, शेयर नहीं कर रहे हो, शेयरिंग इज केयरिंग यार। यस, ए ए ए ए आंसू गैस में किस, एक सेकंड और चला गया ऊपर। यस तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आइए। यस, बहुत बढ़िया आंसर। नीला थोथा जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं। किसको? कॉपर सल्फेट को। ये होता है बच्चों CuSO4। बच्चे इसके बनाए जाते हैं क्रिस्टल, इसके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? क्रिस्टल। बच्चे आप लोगों को बता देती हूँ कि आयरन सल्फेट नाम की कोई चीज होती नहीं है, आयरन सल्फेट नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये होती है तो फेरस सल्फेट होता है, ये होता है तो फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट, सल्फेट जो होता है बच्चे उसको बोलते हैं हम लोग हरा थोथा। फेरस सल्फेट का बनता है हरा थोथा, ठीक है, ग्रीन विट्रॉयल।
हाइड्रोजन सल्फेट का भी कोई थोथा कोई विट्रॉल नहीं बनता और सोडियम सल्फेट का भी कोई विट्रॉयल नहीं बनता है, ठीक है। आयरन कोर रिएक्शन में फेरस बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ये एक ग्रीक से लिया गया एक सिंबल है, ठीक है। मैम लेट हो गया, जिस कॉपर सल्फेट, चलिए मैम टेलीग्राम, मैम आप टेलीग्राम पर नहीं मिल रहे हैं। रंजन यादव, साइंस बाय प्रिया मैम, यार साइंस बाय प्रिया मैम, खाली प्रिया मैम भी डाल दोगे तो भी मिल जाऊंगी, बहुत बड़े फेस की शक्ल लगी हुई है मेरी। चलिए कॉपर सल्फेट फॉर्मूला CuSO4 है, ठीक है। बाकी एक सॉल्ट होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। जो बच्चा लेट आया है वो इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकता है। एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए जो बीच में आ जाते हैं, लेट हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो वो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। विच इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी कार्बनिक यौगिक का मौलिक तत्व क्या होता है, यानी मौलिक तत्व का मतलब ऐसी चीज है जिसके बिना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी कार्बनिक यौगिक बनेगा ही नहीं, तो ऐसा कौन सा मौलिक तत्व होता है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल अकाउंट होता है। प्रखर जी चलिए कोशिश करते हैं। अच्छा थोता इज गुड नेम, थोता क्या होता है, सॉल्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपका नमक होता है ना सफेद रंग का, इस तरह का सॉल्ट होता है जो दवाइयों में काम आता है। वैशाली जी, जो दवाई में जैसे एंटीबैक्टीरियल चीजों में आता है, जहर बनाने में भी काम आता है और एंटीबायोटिक्स में भी काम आता है, इस तरह के सॉल्ट होते हैं। और इसके आपने क्रिस्टल भी बनाया, 10th क्लास का एक एक्सपेरिमेंट है, याद करना, 10th क्लास में और 12th क्लास में आप लोगों ने क्रिस्टल भी बनाए हैं नीले रंग के, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है कार्बन, ऑब्वियसली बात है, आप सभी ने बताया, और जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़े हुए हैं वो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा बता देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ही कार्बन होता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन के बिना बन ही नहीं सकता, कैसे, जैसे मिथाइल, इथाइल, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, फलाना एसिड, ये सब इसकी देन है, ठीक है। तो कार्बनिक जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। जो किस ग्रुप में पाया जाता है, जो 14वें ग्रुप में, जो 14th ग्रुप में पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है, और इसका सबसे फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक तत्व जो है वो मीथेन है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन कंसिस्ट करता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, लेकिन जो एसेंशियल है, जो इसका बेस है, वो कार्बन है। कहती बात समझ में आई श्वेता रानी, आप बिल्कुल बच्चा बिल्कुल साथ भाई, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। 50 क्वेश्चन लेके आने चाहिए, एक घंटे की क्लास हो तो बच्चा जरूर लेके आएंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर टिक लगाना हो तो बेटा पक्का 50 क्वेश्चन लेके आ सकती हूँ, लेकिन समझाना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुष्मिता जी, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, ठीक है। अभी देखो सिरके का एक जिक्र आया था, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये SSC के 2018 में भी पूछा गया है, ये SSC के 2019 में भी पूछा गया है, ये SSC के 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विनेगर, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैम जी और टॉप क्वेश्चन लाओ। ओके राहुल जी, बिल्कुल लेते आते हैं। हाय मैम, पंजाबी जाट, आर यू UPSC एस्पिरेंट? नो अमन तूर, आई एम नॉट ए UPSC एस्पिरेंट, आई जस्ट डन द जॉब इन UPSC इन CDS एंड इन असिस्टेंट कमांडेंट, सो आई लेफ्ट द जॉब, ठीक है, इन पास्ट, नाउ आई एम ए फैकल्टी ओनली। यस, बहुत सही जवाब, इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड, इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड। और इसका एक दूसरा नाम भी और होता है, इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड, इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक अम्ल जो होता है बच्चों, इथेनोइक अम्ल जो होता है वो सेकेंड नेम होता है, इसका IUPAC जो नेम होता है वो इथेनोइक एसिड होता है। एसिटिक एसिड आए या इथेनोइक एसिड आए, एक बार एग्जाम में आया कि इथेनोइक एसिड किस में पाया जाता है, सिरके में, एक बार आया सिरके में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एक बार आया सिरके में क्या पाया जाता है, इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से 3 साल तक क्वेश्चन बना था। CH3COOH, बिल्कुल सही यार, CH3COOH, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे, तो विनेगर जो होता है उसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है सिरका, हम लोग गन्ने का सिरका भी तो बनाते हैं ना। टू अवॉइड नॉकिंग ऑफ द इंजन ऑफ द कार, कार विच इज यूज एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, कार के इंजन को खटखटाने से बचाने के लिए कार में उपयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। देखिए, आपके पिताजी जो होते हैं, आपके पिताजी, चाचा जी या मामा जी या जो भी आपके घर में बड़े हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, दादाजी, ठीक है,
तो अब भाई भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको पता है कि लड़कों को, पुरुषों को स्पेशली अपनी व्हीकल से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि 70% लड़कियाँ गाड़ियाँ चलाती हैं, 100% लड़के तो चलाते ही है। तो आपको पता होगा, बोलते हैं कि यार गाड़ी खराब होने लगी, गाड़ी में आवाज़ आने लगी, तो इस आवाज़ को रोकने के लिए जो गाड़ी के अंदर पैदा होती है, पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जाता था, पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जाता था, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए, पेट्रोल के अंदर क्या मिलाया जाता था? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंद्रानी जी, इथाइल अल्कोहल शराब होती है। देखिए, इसका आंसर जो है व्हाइट पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। इथाइल अल्कोहल जो होती है वो शराब होती है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल जो होता है वो खुद अल्कोहल होता है, पीने वाली शराब होती है जो हम पीते हैं, ठीक है। मतलब मैं नहीं, जो सब लोग पीते हैं, ठीक है। ब्यूटेन जो होता है बच्चों, वो लाइटर में पाया जाता है, लाइटर में जो लाइटर, जो आपकी लाइटर वाली जो गैस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटेन पाया जाता है। और सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर जो एलपीजी सिलेंडर होता है, उसके अंदर ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन पाई जाती है। अब बच्चों, इसका लेड टेट्राइथाइल, इसका वैसे जो असली नाम है वो है टेट्राइथाइल लेड। तो आपके इंजन में टेट्राइथाइल लेड होता है। कहते हैं मैम टेट्राइथाइल लेड कैसे होता है, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। एक होता है एंटी नोकिंग प्रोडक्ट, आवाज रोधक तत्व। पेट्रोल में आवाज रोधक तत्व मिलाया जाता है ताकि ताकि इंजन की जो लाइफ है वो अच्छी रहे। आपको याद होगा, जो आप स्कूटर के टाइम पे तो सारे बालक है मेरे हिसाब से, हम लोग जब तुमसे तो बहुत बड़े हम लोग, ठीक है। स्कूटर के टाइम की अगर बात करें, जब आप लोग अपने पिताजी किसी के भी मतलब पीछे जब स्कूटर पे बैठते थे, या कभी पेट्रोल भरवाने गए, तो पेट्रोल के बाद वो कुछ पाउच में से कुछ लाल लाल निकालते थे, उसको हमारे यहाँ तो मोबिलाइल बोलते हैं। आजकल तो वो, जब आप कभी भी एक तरह से रिपेयरिंग वगैरह करवाने जाते, तो ऑर्गन वगैरह उसके जो जितने भी मशीन्स वगैरह होती है, उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले वो पेट्रोल में मिलाया जाता था, क्योंकि पेट्रोल की क्वालिटी पहले बहुत अच्छी नहीं होती थी, उसको मोबिलाइल बोलते थे। तो वो मोबिलाइल जो होता था, वो होता था टेट्रा इथाइल लेड, शॉर्ट में इसको टेल बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड होता था। क्या होता था? टेट्रा इथाइल लेड होता था। ये एंटी नोकिंग प्रोडक्ट था, ये इंडिया में बैन कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से, ये बैन क्यों किया गया, इसकी वजह से पॉल्यूशन होने लगा था। आपको याद होगा, जब पॉल्यूशन में, ठीक है मैम, विच वॉज द ऑब्वियसली बात है, डिफेंस जॉब इज द बेस्ट, बट मुझे पढ़ाना ज्यादा पसंद था, ठीक है। कहती बात समझ में आई? हिमांशु, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा क्योंकि मेरा पढ़ाने पे ध्यान था, ठीक है। कहती बात समझ में आई? क्लियर है। चलिए, तो इंडिया में बैन कर दिया गया जब पॉल्यूशन का चलान कटने लग गया था, और अब तो हमारे जो पेट्रोल है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज। कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ किसके रूप में प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl या डिस्टिल्ड वाटर? जल्दी बताइए। व्हाट इज यूज इन अ कार बैटरी एज एन इलेक्ट्रोलाइट? जल्दी बताइए, ठीक है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ किस रूप में इस्तेमाल होता है? बहुत बढ़िया। देखिए, अभी सभी को मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को दिल से मेरे लिए ये लग रहा है कि मैं क्वेश्चन लेट करवा रही हूँ, तो देखिए उसमें दो तरीके होते हैं। मैंने वो भी देखा है, क्वेश्चन बोला, आंसर बोला, आगे। तो इसमें यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना टाइम यहाँ पे मेरे को देते हैं, तो उनका टाइम जो है वो उपयोग होना चाहिए, अगर मैं उनको कुछ समझाती हूँ तो। यस, बहुत बढ़िया। इसका जो आंसर है आपको बताती हूँ, इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम यहाँ टिक लगाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड पहले टिक लगा देते हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। जो लेड एसिड बैटरी होती है, हमारी जो लेड बैटरी होती है, ये रिचार्जेबल बैटरी होती है, यानी हम इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, केमिकली केमिस्ट्री में यूज होता है। टिपिकली ये एक कार की बैटरी होती है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये वाला पोल और ये वाला पोल, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ से चार्ज पैदा होता है। ये ज्यादातर जो बने होते हैं लेड डाइऑक्साइड के बनते हैं और मेटलिक लेड के बनते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये लिथियम हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्पेशली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं चार्ज को पास करने के लिए। दीपेश जी, दिल्ली पुलिस के लिए आप मेरी काली किताब ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन किताब है।
शिवा यू आर आस्किंग फॉर द लेजी आई और लेजर आईज. लेजर आईज इज पर्टिकुलरली एलिजिबल बट देर इज सम माइनर लाइंस इन द डिफेंस. सो वॉट इज योर आई रिपोर्ट, यू कैन सेंड मी ऑन टेलीग्राम. ठीक है, यू कैन सेंड योर आई रिपोर्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स. ओके, नहीं मैम आप ठीक से पढ़ा रहे हो, फालतू की बातों पर ध्यान मत दो. क्वेश्चन के बारे में बताओ मैम, फालतू बात में लाइव वेस्ट मत होता है, कमेंट पे ध्यान मत दो. नवीन जी देखिए कमेंट भी, मेरे प्यारे बच्चों का कमेंट भी मुझे पढ़ना होता है. द एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल, ड्राई सेल जो सूक्ष्म सेल होते हैं जो आप लोग कई बार रिमोट वगैरह में भी डालते हो, तो उसके अंदर किस तरह की एनर्जी होती है उसको ड्राई सेल बोला जाता है, जो आप टॉर्च वगैरह में इस्तेमाल करते हो. केमिकल, रासायनिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक चुंबक की एनर्जी या रेडियो एनर्जी, जल्दी बताइए. हाँ, जो वाटर डाला जाता है सचिन जी, वो डायल्यूट वाटर डाला जाता है, उसमें डायल्यूट वाटर डाला जाता है. ठीक है, ओके. देखिए मैं फालतू ही कमेंट भी पढ़ लेती हूँ और बाकी लोग जो होते हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं. ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो. शुष्क कोशिका, शुष्क सेल, शैली बोलेंगे बेटा इसको. बच्चे इसका जो सही आंसर है केमिकल एनर्जी. बच्चे ये वो बैटरी होती है जो आप लोग अपने टीवी रिमोट वगैरह में इस्तेमाल करते हो, तो ये इनमें जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है. और केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर फॉर्म में होती है, और जब हमें लाइट की जरूरत होती है तो ये जो केमिकल एनर्जी होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है. तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो हमारे ड्राई शेल होते हैं, ये जो हमारे सूक्ष्म शेल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं. रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं. अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर ए इको, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए. जैसे कोई मेरे आवाज लगाए प्रिया प्रिया प्रिया, मतलब बार बार बोले, तो भाई जब इतनी बार वो बोलेगा आवाज आएगी प्रिया प्रिया प्रिया, पहाड़ों में जो स्पेशली हम लोगों को आवाज बार बार सुनाई देती है, तो इको पैदा होने के लिए न्यूनतम किसी भी इंसान के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए. जैसे सपोज करो मैंने कोई इंसान बना दिया और ये मैंने कोई दीवार बना दी, ये मेरी फेवरेट दीवार है, मैं हमेशा बनाती हूँ जब भी इको पढ़ाती हूँ. इको मतलब इको प्रतिध्वनि पढ़ाती हूँ. तो ये कब पैदा होती है जल्दी बताइए मैम. क्लास की टाइमिंग बता दीजिए सत्यम जी, शाम के 6 बजे और दोपहर के 12 बजे यूट्यूब पे. हाँ जी रजत जी, इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, मैंने पहली बार सुना है. ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान से सुनिएगा. वैसे तो आप कितनी भी दूरी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ. जैसे सपोज करो ये एक सोर्स है जो खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हो, जैसे आपको भी किसी दीवार के न्यूनतम किसी के भी बीच में 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए. देखिए इसमें 17 तो लिखा है, लेकिन 17 क्या, 17 मीटर की, मिनिमम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए. और 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और गैप जो होना चाहिए आवाज में वो 1/10 सेकंड का होना चाहिए. 1/10 सेकंड मतलब 0.1 सेकंड. कैसे, देखो ध्यान से. सपोज करो सही इको सुनने के लिए 10 सेकंड का फर्क होना चाहिए. कैसे होना चाहिए देखिए मैं बताती हूँ. सपोज करो किसी ने आवाज लगाया प्रिया और फिर चौधरी बोल दिया पीछे से, तो प्रिया चौधरी आपस में मिक्स हो जाएगा. जैसे उसने बोला प्रिया, तो उसको 1/10 सेकंड रुकना पड़ेगा ताकि वो आवाज 1/10 सेकंड में, यानी 1/10 सेकंड में वापिस आए और फिर वो बोले प्रिया चौधरी, तो 1/10 सेकंड में फिर वो वापिस आएगी. साइंस 1/10 सेकंड रुको तो फिर वो वापिस आएगी. ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई. तो मूवी थिएटर में इको प्रोड्यूस ना हो इसलिए बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, बहुत सारी चीजों को उपयोग करके उसको अवॉइड किया जाता है. प्रवीण जी होगा. और बच्चों मैंने तापमान क्या चाहिए होगा और मिनिमम साउंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कितनी देर में वो आवाज़ वापस आती है, और कैसे कैसे किस किस फॉर्मूले पे बेस है, ये सब कुछ मैंने आपको दिया है. अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डज अ ब्लैक बोर्ड अपीयर ब्लैक इन कलर. ब्लैक बोर्ड काले रंग में क्या दिखाई देता है जल्दी बताइए. ब्लैक बोर्ड काले रंग में क्या दिखाई देता है. ठीक है, कहने का मतलब है यह काले रंग को दर्शाता है, यह काले रंग को अवशोषित करता है, यह सभी रंगों को दर्शाता है, यह सभी रंगों को अवशोषित करता है. इट रिफ्लेक्ट्स बैक ब्लैक कलर, इट एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, इट रिफ्लेक्ट्स और कलर, इट एब्जॉर्ब ऑल कलर. तो काला जो रंग का जो काला रे मतलब काला जो रंग का ब्लैक बोर्ड है वो काला ही क्यों दिखाई देता है.
नहीं नहीं जतिन जी सुनाई होगा, सुनाई दिखाई नहीं होगा, आवाज दिखाई कैसे देगी बच्चा, सुनाई तो देगी ना। रोमिया जी मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगी तो अपने क्लास का प्रचार करूंगी। 10 मीटर किसी का नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए बताइए, 10 मीटर जी किसी का नहीं होता, 10 मीटर में इको पैदा ही नहीं हो सकती है, 17 मीटर चाहिए कम से कम। ग्रुप डी का पेपर होगा, जल्दी बताइए, सभी रंगों को अवशोषित करता है। अच्छा तो देखिए, इट एब्जॉर्ब ऑल कलर, ये सभी रंगों को अवशोषित करता है, ये सभी रंगों को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर लगा दे ताकि आपको पीडीएफ में मिल जाए, ठीक है। तो जो काला रंग होता है वो सारे रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, गुड एब्जॉर्बर होता है ये, और जो सफेद रंग होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पेस, का आंसर सबसे बढ़िया आना चाहिए, सबसे बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन सुनो, मैं चाहती हूं कि सबका आंसर सही आए। सुबह योगेंद्र जी 9 बजे चलती है मेरी वाईफाई एसएससी एग्जाम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग मिट्टी के पानी के तनाव को मापने के लिए किया जाता है? फोटोमीटर, पायोमीटर या टेंसियोमीटर या साइकोमीटर, जल्दी से बताइए। ओके मनीष जी, नवीन जी इसका जवाब भी नहीं दे पाऊंगी मैं। विक्रमजीत जी बिल्कुल, सारी की सारी जो डिफेंस सर्विसेज होती है वो ए ग्रुप में ही आती है, जो यूपीएससी के अंडर में होती है, खाली एक ईपीएफओ ऐसा है जो क्या कहते हैं बी में आता है। और एसएससी के अंडर में एग्जामिनर और डबल ए ओ एक उसमें आता है, ए में, जिसका मतलब जो एग्जामिनर बन गया ना, जो बच्चा एग्जामिनर बन जाता है भाई सब जिंदगी ना धमाल हो जाती है बिल्कुल, एग्जामिनर अगर कोई बन जाएगा। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें? साइंस में प्रिया मैम, प्राची जी मेरा चैनल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है मैम। हाँ ओके, बिल्कुल सही आंसर बहुत सारे बच्चों का, टेंसियोमीटर। देखो टेंशन होती है टेंसियोमीटर, देखो ये, देखो ये वैक्यूम का गॉग होता है, सपोज करो ये नीचे ये लगा रखा है हमने, ये जमीन है ये लगा रखा है, उसके लिए इस्तेमाल होता है ये, क्या कहते हैं टेंसियोमीटर इज मेजर टू सॉइल मॉइस्चर। टेंसियोमीटर क्या है? टेंसियोमीटर क्या होता है? मिट्टी की में जो नमी होती है ना उसको नापने के लिए टेंसियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है सरफेस की टेंशन, यानी प्लांट रूट में एग्जैक्टली, कहने का मतलब है मिट्टी में कितनी नमी है और जो पौधे की जड़ों में, पौधों की जड़ों ने कितनी नमी अवशोषित की है, कितनी नमी एब्जॉर्ब की है, स्पेशली उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेंसियोमीटर। एक क्वेश्चन और कर ले। एग्जामिनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखता है बच्चा, एग्जामिनर इज ए मैम जी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का एग्जाम के बारे में वाईफाई स्टडी। अंकित कुमार जी मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, कहती बात समझ में आई। मिस्टी, सीआईडी जो होती है वो आईबी के अंडर में आती है, सीआईडी नहीं होती, सीआईडी टीवी में होता है, वो आईबी के अंडर में आती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो एसएससी के थ्रू, आप फिजिकली फिट होने चाहिए बस, ठीक है। ये क्लास शिवाजी एनडी के लिए है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलती हूं मैं आपसे जल्दी, सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा लगाव एक अपनी तरफ से। और मैं चाहती हूं कि सभी बच्चे जो है वो कुशल मंगल रहे और अपनी पढ़ाई को ध्यानपूर्वक देखते रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो आगे के क्वेश्चन है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे बता देना। दीपक जी, अगर जो भी आपका डाउट है आप साइंस में प्रियम मैम पे भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगी जैसे मेरी क्लास खत्म होगी। तो सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, लव यू, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच।